मानसेरा हजारा डिवीजन का रकबे ते आबादी के लिहाज न सारे को बड़ा जिला है। इस जिले का हर ग्रां अपनी सोनियाई की मिसाल आपे मैदानी इलाका पखली होवे या बफा शिनक्यारी के डोगे बाड़िया होवन इस सब्जियां ते होर फसलों की सूरत विच इत्थे दे बसनीकां दा बेहतरीन गुजारा। मानसेरा दे टाके बड़े जंगलों ते सियाहत दे हवाले नाल भी सियांते जुड़दे ने ते इन्हां ही टाकियां नाल असां सोहणे सोहणे ग्राम बसदे मिलदे ने। इसी जिले ते तहसील दी यूनियन कौंसल लसां ठकराल ते विलेज कौंसल खुआड़ी दा ग्रां जिनक्यारी अजे दी डेडी दा मेजबान है। मानसेरा शहर तो तकरीबन 14 किलोमीटर ते बेदड़ा इंटरचेंज तो तकरीबन 21 किलोमीटर दे फासले ते आबाद ए ग्रां इत्थे तकरीबन 200 सालां तो पिया बसदा है। इस ग्रां तक आने वाली सड़क पक्की है ते इस दा कुछ हिस्सा अले भी कच्चा है। खुआड़ी रोड तो एक राह निखड़ जुलदा है जिहड़ा जिनक्यारी तक जुलदा है। ग्रां जिनक्यारी मानसेरा ते ग्रां सियाल एबटाबाद की हदबंदी मांगल नदी करती है। ग्रां सियाल इत्थों एक सड़क आजी ख्वाज मोहम्मद खान मरहूम अपने खर्चे ते कटा के इस ग्राएं नाल मिलाया आ ते इस सड़कां जोगी जिमी दी गई मलिक अब्दुल मजीद अवान होना कि जिन्हां दी डेडी विच असी मौजूद हाँ ते इस सड़कां दा नाम ही मलिक अब्दुल मजीद अवान रोड रखा गया। जिनक्यारी ग्राएं विच शराए खानदगी तकरीबन 80% है ते इस ग्रां दी आबादी लगभग 20,000 है। जिनक्यारी दे आर्च फेरी ग्रामां विच खुआड़ी ब्रट टाली ते नोनोहा शामिल हन। इत्थे बसने वालियां कौमां विच अवान तनोली ते सैयद शामिल हन जदके कुछ कसबदार लोग भी इत्थे बसते हैं। ज़्यादातर लोगों का जरिया मुआश निक्की मोटी जिमीदारी है। कुछ लोग कारोबार ते मुलाजमत पेशा भी हैं ते इत्थे दे कुछ लोग मेहनत मजदूरी वास्ते पाकिस्तान के होर शहरां ते बाहर दे मुल्खां भी गए। इत्थे पैदा होने वालियां फसलों में कणक ते मकई शामिल हैं जदके मकामी लोग अपनी जरूरत के मुताबिक सब्जियां भी पैदा कर देंदे ने। इत्थे फलदार बूटे भी नज़र आते हैं ते नाल चीड़ां दे जंगल भी देखे झुलकते हैं। जिनक्यारी विच बिजली ते पानी मौजूद है जदके सूई गैस हाले तक इत्थे नहीं पहुँच सकी। इत्थे जातकां ते कुड़ियां वास्ते एक प्राइमरी स्कूल भी मौजूद है। इत्थे दियां कुछ गलियां पक्कियां ते कुछ कच्चियां ते होर मसाइल भी इस ग्रां विच मौजूद हन। ग्रां जिनक्यारी विच दो मसीतां भी हैं जिन्हां विचों एक जामिया मस्जिद है। इस इलाके की मशहूर शख्सियात विच मलिक मुहम्मद आलम मंगलूरी ते हाजी पीर मुहम्मद जिहड़े मरहूम सदर ज़ियाउल हक दे हाउसकीपर है वह भी शामिल हैं जदके इत्थे दी सड़क जिहड़ी मानसेरे तो खुआड़ी तक आंदी है वह भी आजी पीर मुहम्मद साहब पक्की कराई गई। हज़ारे दे इस सोहने ग्राएं दे बारे विच होर बहुत सारियां गल्लां अपने नाजरीन तक पहुँचाने वास्ते अज असां अपनी डेडी इसी ग्राएं विच मलिक अब्दुल मजीद अवान दी डेडी विच सजाईए। अज पेश है इसका पहला हिस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जनाब एक और सोहनी डेडी कहन के तुम की खिदमत हाजिर हाँ। मेरा तुम पता है काशिफ मलिका में स्वाति मामा मेरे नाल जनाब और भोला हाले तक नहीं पहुँचा पर हलो आ रहे वे तो उस गपशप हो रही है। एक साल के वक्फे तो बाद असी डेडी प्रोग्राम वास्ते कहन के आए हैं और डेडी प्रोग्राम यकीनन तुसी पसंद करते हो और जितना जिस दौरान जिस अरसे में प्रोग्राम नहीं होया तुसी बार बार राबता करते रहे हो साढ़े नाल कि प्रोग्राम क्यों नहीं होता। बस जी हर कम आप हर जो काम होंगे उस अपने वेले तो आना होंगे तो थोड़ा जहा बिच वक्फा है तुसों को माजरत लेकिन उम्मीद है कि उन्हें वक्फा ना सी। अज असी जिस ग्रां में मौजूद हाँ जिला मानसेरा का ग्रां शुरू भी मैं सारी गल दसी है जिनक्यारी इस ग्राएं का ना है लेकिन आखते ना कि दुनिया गोल है। यह जिनक्यारी ग्रां है मानसेरे का इस पासों आखिरी ग्रां है तो पार सामने सियालां का ग्रां है तो सियालां नाल पंडू थाना है तो सियाल तो याद हो सी अज ही ख्वाज मोहम्मद साहब मरूम उन्होंने असं कार डेडी की है उन्होंने डेडी का आर किया है तकरीबन 3 साल पहले असं उत्थे आए हैं और अज ही साहब जनाब अज साहब लोग इस वास्ते भी याद रखते हैं कि उन्हों का जोड़ा सोशल वर्क है
उन्होंने अपने इलाके की जी खिदमत की या जो इस जान में मौजूद नहीं लेकिन उन्होंने ना मौजूद है। इसी वास्ते आखते ना कि दुनिया में इंसान आंदा है जिहड़ा भी किरदार अदा करे उस तो बाद उस जुलना आंदा है ते कोई अच्छा काम किया हो तो लोग उसे याद रखते हैं। आजी साहब अपने ग्राएं पानी की एक स्कीम दी, अपने ग्राएं एक मस्जिद पढ़ा के दी, फिर अपने ग्राएं इस ग्रां नाल उन्होंने मिलाया एक सड़क उन्होंने कटाई और वह सड़क जनाब साढ़े जिन्हों की डेढ़ी बच्चे अच्छ मौजूद आ मलिक अब्दुल मजीद साहब इन्हें जमीन दी तो सड़क आज साहब कटाई तो लोगों का एक दूसरे नाल राबता हो गया। अच्छ सियाल के लोग भी इतने आए दिन, पांडू थाने के लोग भी आए दिन, शरवान तो लोग भी आए दिन, साढ़े इन्होंने ग्रामों में प्यारो मुहब्बत मौजूद है। सिर्फ ये कि इन्होंने ग्रामों एक दूए का दिल लिंक रोड नहीं कहते साड़ियाँ हुकूमत इस पास तवज्जो देवन तो साढ़े जिले भी मिल जुलन, साड़िया तहसील भी मिल जुलन तो साढ़े एक ग्राम ही मिल जुलन। डेडी जनाब डेडी तुम पता है पूरी टीम होंगी है और पूरी टीम का तारुफ कराना मेरी जिम्मेदारी होंगी है। स्वाति मामा साढ़े नाल मौजूद हूँ, पोला आया नहीं, पोला आसी तो जनाब प्रोग्राम में शामिल हो जुलसी, आसी जरूर क्योंकि उस रबता होता है तो उसने शायद ग्रां लौड़ने में थोड़ा जहा मसला है। अज अजीम अवान साढ़े नाल सुन उन्होंने को गीत माइए तुम सुना सा और जनाब एक मुकामी साढ़े को एक फनकार साजिद उन्होंने नाँ है उन्होंने को बांसरी तुसा सुना सा। साउंड सिस्टम साढ़े नाल मौजूद है जी यूनिवर्सल साउंड सिस्टम मानसिरा ये साढ़े नाल आए इन्हों की मेहरबानी। साड़ी कैमरा टीम गुलाम नूरानी साहब साढ़े सीनियर कैमरामैन मौजूद हैं उन्होंने साथ देने जी एली अनमोल और जनाब एडिटिंग तुसा इस डेडी दी करसन यासिर जेब साड़ा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मलिक मुलाजम साहब असा इतने किन के आए तो बड़ा दूर इलाका है लेकिन ये कि बड़े प्यार और मुहब्बत नो सारे किन के आते हैं। इस सारी टीम की जनाब कुप्तानी होंगी है हमेशा यासिर जमान को ते डेडी तुसा पता है मलिक अब्दुल मजीद अवान साहब की डेडी है इस डेडी में असी मौजूद हाँ। स्वाति मामा जाहिर है जिससे मैं प्रोग्राम शुरू करना तो स्वाति मामे की शायरी जी अस प्रोग्राम में शामिल करने होंने। स्वाति मामा क्या हाल है? पटे मार मार के यकीन कर सी ए मलिक साहब कह जे जनक राय दिन कसमे कच्ची आए जा दौड़ाए ने पूछो ना जी कि बाली जी को जड़ा दौड़ा दे डेडी में लोग महसूस बैठे होंगे ने किसी ग्रह के तरक्याती मसले से गल करते ने और कुछ जिदगा मुकाते होंगे ने कहते अज मुको मलका मारिया अज मुको खाना मारिया थे तू अपन हाथ छोड़ ना के छोड़ा जड़े गल सुन बस ना पूछ पूछ जान दे अगर तू भी किसी ने तपा काट मारना गुनाह दे आगु जने डर लगते कोई को सेट काट ना मारे हो ए में तो मार दे नहीं सका आदमी करे दे ट्राई करता हूं ट्राई कर दो ना वो जने आए मुझे मार दी जो मुख एक दो था कुटिया लोग डेडी भी आन कहता है यारा संगियो और बंग मंगाई ने मार सटा हो आटा ते चीनी ते एक हो किधर चला गया मर गया इना बिजली जा बेला मार सटा तू एक दियो कलो पैसे उधारे के दे ने तू दस्ता हो मैं बाजार गया है कि चाह हाल वाल तू जाने मुको मलका मारिया मुको खाना मारिया और तू को मरासिया भी मारिया हो ए गल सुनो ए काशी भाई जी जियो ए गल सुनो आ रगा पीछे राहे दे नहीं कोई बेश है तो नहीं खड़का के दी तू मोड़ दे दे मड़े ये लाले थोड़ा जिया तेरे वाला नहीं हेलो थोड़ा जा अच्छा सादी मामा असल गल रे आटा ते दालियां ते बाकी इस ते मसले नहीं काशिफ साहब जरा लोग शायरी लिखते ने ते मेरा मतलब है कि मां शायरी में लिफ्ट नहीं देंगे गल ने जी और नहीं देखो तेरी केड़ी गल मैं धरती ते सटी है तेरी किड़ी गल मैं धरती से सटी है तेरी हर गल मैं पूरी कर सटी वाह जी वाह ओ तारियां लाख में तला पे आना ओ सारे लाख में तला पे आना वाह वाह मामा जी
ते सारे लाख मित्र प्यारना हो तो मेरी जिंदगी में लो कर सटी है कोई भी ना करे तो उस कर सटी ताड़िया मामे आस्ते जरा सही जिया तो मेरी जिंदगी में लो कर सटी है कोई भी ना करे तो ओ कर सटी है पंजा पंजा होते जिद मैं कीती है ते तो बधा के सो कर सटी है तो बधा के सो कर सटी कोई भी ना करे तो ओ कर सटी है ते आपे कोलो वाद तेरी खुशी मां अजीज है वाए 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 लड़िया लड़िया आपे कोलो वाद तेरी खुशी मां अजीज है और जिंदगी में प्यार कोलो वाद किड़ी चीज है वाह जिंदगी कोलो वाद प्यार किड़ी चीज है जिंदगी में प्यार कोलो वाद किड़ी चीज है और जिमी आसमान चांद तारे तुदा देवा और खुशियां दे पार के में खारे तुदा देवा मेरे वास होवे मैं सारे तुदा देवा पिंगा होते बाल के में लारे लारे तुदा देवा जीलो बालो करा जीलो बालो करा देखो जिमी आसमान चांद तारे मैं देवा मेरे वास होवे तुदा सारे मैं देवा खुशियां दे पार पार खारे मैं देवा पिंगा होते बाल के लारे तुदा देवा आई लैनी आई दिन मामले को तो दिले दिया खुशियां दी तू ही उम्मीद है तू है शमकदर ते तू है मेरी ईद ओए 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 आज अल्लाह खैर करे पैसे जैसे कॉल है ना ना ये मुंह मुंह के रख के आते के अल्लाह अच्छा देखो जी राव ए डेडी के साड़ी प्यार मोहब्बत थी इस पे गीत गाउन भी होंदे ने माहौल शखोल भी होंदे ने मसले भी होंदे ने समझदारी दी गल्ला भी होंदियां मालूमात दी गल्ला भी होंदियां हालात दी गल्ला भी होंदियां ने बिल्कुल ए खरा ते सच्चा प्रोग्राम है हर जना सच्ची गल करदा पिछोरो आंदे एक्टर नहीं जेड़े कूड़ मार के टोर जुलसन हर आदमी आप गल करदा और अपने जमीर बयान करदा और पूरी दुनिया दे उसकी आवाज पहुंचांदा ए साडा केटू टीवी ताड़ी हो जावे केटू टीवी डेडी सज गई है चिनकियारी और जिंजू खुल गई फूला दिखारी वाह 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 मामा बन गई हो जने दे पुत्रा और डेडी सज गई है चिनकियारी और जिंजू खेल गई फूल के आरे ओ इल इस गुल दस्ते विच रंग रंग दे फूल माया इस गुल दस्ते विच रंग रंग दे फुल माया मैं डेडी विच बैणा मैं डेडी विच बैणा वे मेरे नाल तू जल माया मैं डेडी विच बैणा डेडी केटू दी डेडी ए बरदम रेडी डेडी ये बरदम रेडी डेडी वाह मामा डेडी केटू दी डेडी ए हरदम रेडी डेडी फुलां दे अखारियां विच ए नित पे जांदी ए फुलां दे अखारियां विच ए नित पे जांदी ए हिंद को हजारे दा वे 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 हिंद को हजारे दा पैमान बधान दिए हिंद को हजारे दा मेरे नाल ए जेड़ा दूजे ए हिंद को हजारे दा बूजे मेरे नाल जेड़ा दूजा ए हिंद को हजार दबूजा खाली सरोड़ा है विच मगजो खाली है खाली सरोड़ा है विच मगजो खाली है हर पासो कोट खा के फिर कर दकवाली है हर पासो कोट खा के ओए डेडी सज गए मामे आते तानी हो जले खोलिए ना मेरे नाल ए जेड़ा तीजे हर गल्लां दा कड दा नतीजे मेरे नाल ए जेड़ा तीजे ओए हर
ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੱਢਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਈ ਡੇਡੀ ਕਰਾਂ ਪੈ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਡੰਡ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਜਾਈ ਡੇਡੀ ਕਰਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਏ ਡੰਡ ਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਕਾਸ਼ਫ ਸੋਹਣਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਕਾਸ਼ਫ ਵੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਫਿਰ ਪੜੀਓ ਮਾਮਾ जाई जाई ने चीड़ जंगल असा देखे ने जंगल च मंगल जाई जाई ने चीड़ जंगल वे असा देखे ने जंगल च मंगल सोने इलाके देख के भुख पी लेंदी सोने इलाके देख के भुख पी लेंदी किसी पासो चढ़ चढ़ जा किसी पासो चढ़ चढ़ जा वे किरो तप पे लेंदी किसी पासो चढ़ चढ़ जा किरो तप पे लेंदी ओए डेडी सज गई ओए मजीद आवान दा डेरा ओए साडी डेडी दा पहला फेरा ਮਜੀਦ ਅਵਾਣ ਦਾ ਡੇਰਾ ਸਾਡੀ ਡੇਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿੰਕਿਆਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿੰਕਿਆਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੇਰੀ ਸਜ ਗਈ ਡੇਡੀ ਸੱਜ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੇਡੀ ਸੱਜ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੇਡੀ ਸੱਜ ਗਈ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਬਾਬਾ माशाल्लाह जी बहुत बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी शायरी करे करे अच्छी शायरी कर दे मजा आंदा उस दा ते अब्दुल मजीद अवान साहब साडे नाल बैठे दे जी मलिक अब्दुल मजीद अवान साहब बड़ी मेहरबानी तुस्ती खुश आमदेद इस ग्राम विच आणन दे बड़े मशकूर हां तुसा इज्जत अफजाई कीती असन तुसा रिक्वेस्ट कीती ते असन रिक्वेस्ट कीती तुसा मन कीती विद इन नो टाइम तो सम असन टाइम देता है बड़ी मेहरबानी तुसी खुश हम मलिक साहब अस डेडी प्रोग्राम जाहिर है तकरीबन साल तो बाद रिकॉर्ड होंदा पया ते असन दी ख्वाहिश है किसी ग्राम विच जुलाओ और इस ग्राम विच हर सुनाई असन नजर आई है ते तुसा बुलाया डेडी दोबारा आई है ते बूनी तुसा तो होई है अल्लाह करे कि अल्लाह कामयाब करसी अल्लाह पाक तुसी कितने अरसे तो डेडी देखते हो यार जी काफी अरसे तो देखते जदों दा केटू प्रोग्राम ते तुसन दी ए मामे स्वाति मामे दी रोजाना जेड़ा है इस ते इंतजार होंदे कि किड़ी जाई विच बोलसी मलिक साहब किड़ी जाई विच बोलसन जी जी तुसन दे सोहणे सोहणे अल्फाज असी सुनदे आं उन्हां दी शायरी सुनदे आं अपने भराउ दे मिजाइया जी 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 किरदार देखते आं जी जी बड़ा खुशी होंदी है अस ते अपनी इन्हां दा विंदा गलो बाद दी असां मारदे ने मेरे मैं तुसा कोल बैठे दा खुश रखे अल्लाह तुसा अजर देवे तुसा डेडी जिहड़ी है अपने कोल बुलाइए ते फुल तुसा लग बैठे दे जवेरिया है मेरा ख्याल है जवेरिया मजीद जरा सा माइक दो ना अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम पुत्र क्या हाल है ठीक है जी ए तेरे दादा बुन ना जी हैं के अच्छे लगदे नहीं अच्छे लगदे अच्छे लगदे अच्छे लगदे तू ना गल करनी आंदी अपनी زبان میں یا اردو وچ گل کراں اردو اردو پہ گل کراں اپنی زبان نہیں آندی دادی بھی نہیں بولتے
दादी नहीं बोलते तेरे नाल ज़बान नहीं बोलते ते तू मेरी गलां क्यों समझनी है फिर कौन सी क्लास में हो फर्स्ट फर्स्ट में अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह तो सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है घर में मम्मा मम्मा अच्छी लगती हैं बाबा नहीं अच्छे लगते लगते हैं लगते हैं वो कम है ना जरा हाँ बाबा घर में नहीं होते ना मामा घर में होती हैं चले तो मामा को बाबा रोज मारती होंगी ना मामा को बाबा मारती हैं या बाबा को मामा मारती हैं या बाबा मारते हैं मारने वाला काम तो नहीं है ना आजकल मामा ही मारती हैं बाबा वाला काम होके नहीं क्या था चला ये पागल है ना नहीं है? आप बोलो अंकल है क्या है क्या बाबू क्या आपको क्या लग रहा है ये अंकल अंकल लग रहा है आपके अंकल ऐसे हैं सारे चलो बहुत शुक्रिया बेटा बहुत बहुत मेहरबानी मलिक साहब बहुत तुसा फिर तुसा बार बार शुक्रिया अदा करने हैं शफीक रहमान साहब बैठे दे ते जनाब वो एक्सीएन CNW दे जरा उन्होंने गल करके ना ग्रां उन्हों का हवेलियां आले पास वे लेकिन वे कि आर आर डेढ़ी आ रही शामिल हो हाँ जी तो अच्छा तुसा का ब्याह इतों होता है बस अल्लाह ने शुक्र है अल्लाह का शुक्र है ये तुसा दा बच्चा है नाल जी बिल्कुल इसका के नाम है मोहम्मद मूसा ये गल करता हूं मैं जी बिल्कुल मूसा क्या हाल है आपका ठीक आप स्कूल तो नहीं जाते होगे ना जाते हो कौन सी क्लास में हो नर्सरी में हो आप अच्छा माशाल्लाह तो बाबा की तरह आप बड़े हो के बड़े अफसर बनोगे चलो तो इधर आपका ये जो गांव है ये भी अच्छा लगता है दिल करता है कि इधर रहूं चलो बहुत शुक्रिया बेटा बहुत मेहरबानी शफीक रहमान साहब तुसां दी भी ते और कोई गल डेडी दे बारे कदे करना चाहो बस जी बड़ी खुशी हुई है सो इधर देख के जी स्पेशली स्वाति मामा और दूसरे भी असाड़े पोला हो जड़ा नहीं तो पोला उस्ताद और बड़ा मजा ही आया इना दा तुसां दे डॉक्टर साहब तो बड़ा मुतासर है माशाल्लाह मेहरबानी तुसां दा इंतहाई शरीफन नफस किस्म की नर्सा वाली आवाज बेसिकली होना चाहिए मेडिकल के शोबे हाथ रख पुछा ਰਜੀ ਉੜਸਾ ਮਾਮਾ ਉੜਸਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਂਡੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਚਣੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ ਸਵਾਤੀ ਮਾਮਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਪਾਂਡੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲ ਮਾਰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਲੈਵਲ ਮੇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਲਦਾ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਦੋਂ ਰੋਟੀ ਡਾਕ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਕੱਲ ਹੀ ਆ ਚਲੋ ਜੀ ਯਾਰ ਸ਼ਾਮੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਢੂੰਡਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਕੁੱਤਾ ਦੀ ਤੁਰੀ ਦੀਆਂ ਖਵਾ ਲੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੱਤ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ੀਮ ਅਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਅਜ਼ੀਮ ਅਵਾਨ ਜਨਾਬ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਡੇਡੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਡੇਡੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਅਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸਾਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ ਇਸ ਗ੍ਰਾਂ ਦੇ ਚਨਕਿਆਰੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇ Oh,
ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुसा डेडी बिचार करते आखने जी जनकैरी ग्राम में असं मौजूद हाँ। जिला मानसरा का बड़ा ही प्यारा खूबसूरत ग्रां है। तो ब्रेक तो पहले तुम अजीम अवान को एक माइए पर सुनते हो गीत या माइए तो अजीम अवान ना थोड़ी जी गल भी करके ना। अजीम अवान क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह के करम जी ठीक ठाक ठीक ठाक करिए। तो बड़े अरसे बाद डेडी बिच आए हो। बस जी तुम्हें भी थोड़ा ब्रेक की थोड़ी देर हो गई है जी। अच्छा अच्छा मैं थोड़ी जी कहते फरमाइश करा क्योंकि असं ग्रां में बैठे थे और ग्रां ही साड़ा इलाका तनोल का ग्रां है। तो इतने एक माइए का अपना एक तरीकाकार है। असं जहर मतलब देखने कि का कपड़े लोग माइए गाँव हैं। एक एक ही ढाके नो माइए गाँव है, दूआ दुए ढाके नो माइए गाँव है, या माल चलाने लोग माइए गाँव हैं। वो माइए की अपनी एक पांस होंगी है। उसा पुरानी साड़ी माइए की रिपांस है, पता है ना जी जी जी। अपने इलाके का कद एक दो माइए सुना छोड़ो डंगर शंगर तो गाँव रहे अज गा के डंगर नलगा होता है था सारे ओ चेरे खे दिया पांजी माला ओए ना मेरा ओ माया ओ ना माये दिया ओ चाला बढ़िया ओ दरवाजे रंगीला
रुड़ी नकिया ओ जनी क्यारी दी मैं चंगला जिन क्यारी दी चंगला वाह जी वाह वही असी अंदरो वे दुखे होए ओ यार ना बुला काशिफ ओए असी यारां दे लुटे होए वाह 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 दिले भी गल कीती यो ओ मेरी जिंद मेरी जाना या ओ डैडी वे के टू दी वाह वाह ओ निंदा जीमी अवणाया वाह वाह जिंदाबाद चलो स्वाति मामा चल जी चल गल छोड़ो ए की घर आए इथे आ के कितनी जब बाल खैरा पे करते हो डैडी डैडी किराने रे भी मतलब गल सुनो मजीद आवाज ਉਧਰ ਐਂਕਰ ਵੀ ਕਾਸ਼ੋ ਮਲੋ ਦਾ ਵਾਰ ਉਧਰ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਾਰ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ बहुत शुक्रिया स्वाति मामा जाहिर है जी महफल लगी रहे मजा आता है लेकिन बाकी गलां भी असां डेडी पे शामिल करनी होंगे साढ़े नाल बैठे दे जनाब तनवीर जदून साहब ते मीरपुर तो आए ते इन्हां गल करसा मेरे इब्तबाद चो एक मैं आए दा ते तुसी आए दे हो और भी लोग आए दे लेकिन ए कि असी बसनीक इब्तबाद दे लोए ना क्या हाल है तुसां दा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह माइक जरा सामने रखो माइक मैं तुसां इस इलाके दी तरफो जनकैरी ग्रां दी तरफो ते लोकां दी तरफो मैं तुसां हर कदे आखना कि मैं भी यही पहली दफा जलगहरी ग्रां बच्चे आया मेरा मलिक साहब नाल कोई 15-20 साल तो तलक वास्ता है अच्छा निका भरा भी है मैं दसा कि यार भी आवा ठेकेदार दे नहीं हो मैं ट्रांसपोर्टर हां ठेकेदार दे नहीं हो ना मैं ट्रांसपोर्टर हां कदे कदे मैं उसे लाना होना दोबारा मोबाइल कई साढ़े काके ते कई दोस्त यार फोत भी हो गए बिल्कुल और अल्लाह दा वास्ते ने मारे साथी मामे ना मारियो ला अल्लाह ने जिंदगी दो साथी मामे ना अल्लाह जिंदगी दो रे ना 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 तुसा गल बस बांडी टूना दी डेडी बांडी टूना दी डेडी उस समय पे देखना है ते उस पे एक लैंड ते कैमरा लगे लैंड दे अठ ते अठ आदमी इस दुनिया चले गए उस पे मलिक आबद अवान ने ओ फोत हो गए उजड़े माइये पे गांदे अच्छा बहुत सारे लोग जड़े ना बहुत सारे लोग फोत हो गए बस ये जिंदगी है जी इंसान आंदा ये याद ग्रह जुलदी है ना जी गल नहीं अच्छा जेड़ा बंदा बूढ़ा हो जले ना जेड़ा ज्यादा बूढ़ा हो जले उसा मौतू को डर लगदा है बाकी तो जुलना है सारा ना अल्लाह जिंदगी तो इतने बूढ़े नहीं मैं उन आदा नहीं आ गया इस मौके पे गल करनी बड़ी जरूरी है क्योंकि हालात हाजरा देता है ये मेरी मजबूरी है एक वेला उसी असा विचो एक भी दुनिया से ना ਆਪਣੀ ਆਪਣੇ ਮਕਾਮ ਉੱਤੇ ਹੋਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੋਸਾ ਹਾਏ ਵੇਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲਾ
ਸੋਹਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੋ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਰ ਕਦੇ ਹੋ ਆਖੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਬਲੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਮਾਂ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਸਾਰ ਕਦੇ ਆਓ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਰੇ ਵੀਰਪੁਰੇ ਵੀ ਮੀਆਂ ਦੀ ਸੇਰੀ ਵੀ ਆਸਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜੁਲੇ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਜਿਸਾਂ ਆਤੇ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਬਾਹਰ ਆ ਜੁਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਸਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਸਨੋਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਮੈਡਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਪੈਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਾਈਕ ਜ਼ਰਾ ਨੇੜੇ ਕਰ ਸੋ ਸਹੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ अच्छा सियाल तो आयो हाजी साहब ना थोड़ी जी तुसां दी मतलब रंग भी मिलता है ते थोड़ी अनवार भी आंदी हाजी साहब ना अल्लाह सता को पुराना ताल्लुक रे जी और असली कौमी भी है उना दा बड़ा जड़ा इस इलाके दे विच बड़ी कंट्रीब्यूशन सी जी हां उन्होंने बड़े काम किए ने और मैं अल्लाह दा शुक्र अदा करदा कि ਮੇਰੇ ਕੋ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆ ਫੌਜ ਵੀ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੌਜ ਵੀ ਥੋੜਾ ਅਰਸਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ 32 ਇਅਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਲਾਇਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਮੀਨ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜੁਲ ਸੀ ਯਾਦ ਆ ਸੀ ਮੈਂ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਰਾਤੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਸਨੋਲੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਜੀ ਮੁਖਲਿਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗਲ ਹੈ ਇਹ ਮੰਗਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਬਟਾਬਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਬਟਾਬਾਦ ਦੇ ਮੁਖਲਿਫ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਸੈਰਾਬ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਮਾਨਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਿਕਲਦੀ ਜੁਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੇਲੇ ਬਿਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੰਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੰਗਲੀ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੰਗਲੀ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਆਲੂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਅਯੂਬ ਹਸਪਿਟਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਫਜ਼ਲਾ ਇਸ ਮੰਗਲੀ 'ਤੇ ਸਟਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਲੂਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਪੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਜਨਾਬ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਮੈਂ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੇਢੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਲ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਔਰ ਇਸ 'ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮੰਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿਆਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ਾ ਤੇ ਖੁਦ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲਤਾ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਖਲਤਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਖਲ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸੜਕ ਕਢਾਈ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਲ ਕੇ ਫੋਟੋ ਚਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਰੋਡ ਚੌੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਮੋੜ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂ ਮਲਿਕ ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਇਸ ਰੋਡ ਕੋ ਓਪਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਅੱਜ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਲਾਂ ਦੇ ਉਰਾਂ ਦੋ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਇਕੱਠੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਬੇਮ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦੋ ਪੁਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤਲੇ ਮੰਗਲ ਮੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤਾ ਇਹ ਮੁਨਕਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਵਸਤ ਨਾਲ ਕਾਮੇ ਬਾਲਾ 'ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਖੁਆੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੰਗਲੀ ਤੱਕ ਇਸ ਰੋਡ ਕੋ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਸਾਂ ਕੋ ਮੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਤਾਮੀਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਰ ਖਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਖੁਆੜੀ ਗ੍ਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਬਾਬਰ ਖਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਖੈਰ ਖਰੀਏ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਕੈਟੂ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਅਸਤੀ ਸਕਾਫਤ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਰੀ ਕਸੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਲਖੜ ਤੱਕ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਸਤਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨਾ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਜਲਖੜ ਤੇ ਤਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੂ ਸਰ ਟਾਪ ਤੇ ਚਲੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬੂ ਸਰ ਟਾਪ ਤੱਕ ਜੁਲਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ
इतना अच्छा प्रोग्राम है कि मिल बैठना दे, एक मौका मिल दे जी, मौके अच्छे मुफीद जड़े हैं बहुत कम होने अजकल मसरूफियत का टाइम है, हर आदमी जड़े अपनी अपनी जाई तो मसरूफ है। असं तुसे शुक्रगुजार हाँ कि इस हस्ते तुम ग्राम बच्चे आए हो और ये एक ऐसा अस्ता ग्रां है कि जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन को टच कर दे, खूबसूरत तीन ग्रां हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मुहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले। और मैं एक अब्दुल मजीद साहब का कि जेडे सुपरडेंट हैं, शफीक साहब हुंदा एक एस सी साहब हैं PWD विच, इन सारे लोगों का, बाबू बशीर साहब का, मास्टर मुशाक साहब का, इन सारे का शुक्रगुजार हाँ कि इतनी अच्छी ना एक डेडी का एक प्रोग्राम किया, ये वाली बैठक सजाई। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਟਵਾਰੀ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਟਵਾਰੀ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਕੜੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਤੈਨ ਲੈ ਜੀ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ, ਬਾਬਰ ਖਾਨ ਵਾਲਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੈਪ ਗਲੋਬਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਅਗੇਂਸਟ ਪਾਵਰਟੀ, ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਮਨਸੂਬੇ ਹੋਣੇ ਨੇ NGO ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਅਲਮਰਜਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰੱਸਟ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਲਿਆਜ਼ਾ ਇਸ ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਟਰਸਟ ਕੈਪਟਨ ਸਫਦਰ? ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਨਾ ਜੀ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਮਿਲ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤ ਕੁਝ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ, ਦੱਸੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਕਿਆ। ਜੀ 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 ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ, ਆ ਗੁਜਾ ਕੱਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਤਲਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਖਵਾੜੀ ਸੀ ਤਲਾ, ਇਹ ਰੋਡ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ MLA ਸੈਂਟਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੀ ਬੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਮੇਨ ਰੋਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 6-7 ਗ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਇਸ ਕੋ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਬਾ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾ ਕੇ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਅਸਾਂ ਅਸਲ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਥਾ ਡੀਫੋਰੈਸਟ, ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਕਟਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅਸਤਾ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਪੋਨ ਏਰੀਏ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾ ਮੜੀ ਉਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਸਿੰਘ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਖਤੀ ਸਖਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਜੁਲਨ, ਉਹਨਾਂ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੁਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਤਾ ਜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਸਰਸਬਜ਼ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਚ ਚੁਲੇ। ਗੈਸਾ ਦਾ ਇਹ ਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਆਲੀ ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਤੱਕ ਇਹ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਪਾਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਹੈ ਜੇ ਸਕਰੇੜਾ ਕੋਲ ਜੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਉਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ 98% ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੈਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਕਰਨਲ ਔਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ, ਮੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੁਕਾਮ ਹੈ ਬਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦੀ ਫਰਾਮੀ ਕਰੋ ਨੇ, ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਸੁਣਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਕੋ ਲੈ ਨਾ ਸੂਈ ਗੈਸ, ਅਸੀਂ ਅਪਟ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸਾਂ ਕੋ ਲੈ ਬਸ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਦੋ ਤਰੇ ਵਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਜੀ ਇਥਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਤਰੇ ਹੀ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਡੇਡੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸਾਂ ਸੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਡੇਡੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਕੇ ਜੁਲਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਡੇਡੀ ਵਿੱਚ 4-5 ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਪਰੂ ਪਰਾਰ, ਅਸਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਨਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰੂ ਪਰਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਰੂ ਪਰਾਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਬਦਖਬਰਾ, ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਉਸਾਂ ਆਤੇ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਬਦਖਬਰਾ ਆਸੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਚਖਾ, ਚਖੇ ਚੜੇ, ਮਤਲਬ ਚਖਾ ਅੱਲਾ ਚਖਾ ਚੜ, ਮਤਲਬ ਅੱਗੀ ਦਾ ਜਿਸਾਂ ਆਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅੱਗੀ ਦੀ ਭੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਾਂ ਭੱਠੀਆਂ ਚਖਾ ਵੀ ਆਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਤਰੂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇਰੇ ਅਸੀਂ ਬਣੋ ਚਖਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਚਖਾ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਚੋਲ, ਜਿਸਾਂ ਲੋਕ ਚਚੋਲ ਵਿੱਚ ਚਚੋਲ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਚਚੋਲ ਕੁੜੀਆਂ ਚਚੋਲ ਪਾ ਛੋੜੇ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਚਚੋਲ, ਹਾਂ ਕੋ ਮਤਲਬ ਅਚਾਨਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਰਵਾਸ ਪਿਟਾਸ ਚਚੋਲ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕਤਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਕੰਸੋ, ਕੰਸੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਪ ਕੇ ਸੁਣਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਕੰਸੋਈਆਂ ਮਤਲਬ ਸੁਣਦਾ ਜਾਂ ਕੰਸੋਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਚੋਂ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਬਸ,
लफ्ज होंगे जी इनको दो चार में कहना होना। बहरहाल डेढ़ी सड़ी जा रही है, पहला हिस्सा जरा तकरीबन मुकड़े वाला है, दूआ हिस्सा भी असं इसी ग्रां तो कर सकते। तो डेढ़ी के आखिर में जनाब तुसा गीत सुनाने होने, अजीम अवान साढ़े नाल मौजूद हैं। अजीम अवान को गीत सुनो तो जनाब अगले हफ्ते ताणी डेढ़ी की सारी टीम इजाजत।